किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से ये आयोजन किया गया। माता की भव्य झांकी सजाई गई। कीर्तन भजनों के बाद भक्तों को भोजन प्रसादी दी गई। बेहद धूमधाम से देखिए यहाँ पर ये माता की चौकी का आयोजन किया गया। कीर्तन भजनों के बाद भक्तों को भोजन प्रसादी दी गई। माता की चौकी का आयोजन किया गया। माता की झांकियां यहां पर सजाई गई। एडिलेड में माता की चौकी का आयोजन किया गया। भव्य झांकी माता की यहां पर सजाई गई और धूमधाम से माता की चौकी का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से यह आयोजन, माता की भव्य झांकी सजाई गई है। कीर्तन भजनों के बाद भक्तों को भोजन प्रसादी भी दी गई। तो नवरात्रों के दौरान माता की चौकी का आयोजन बेहद धूमधाम से किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में माता की चौकी का आयोजन किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता मोहम्मद रजाउल्ला जुड़ गए हैं। रजाउल्ला, क्योंकि हम भारत में तो हर तरफ देखते हैं कि जो नवरात्र हैं, 9 दिनों तक नवरात्रों की धूम देखी जाती है, धूमधाम से हर जगह नवरात्र के 9 दिन मनाए जाते हैं, लेकिन विदेश में जब नवरात्र मनाए जाते हैं बेहद अलग वो अनुभव होता है और बेहद अलग अंदाज में, क्योंकि विदेश में भी जब भारत के पर्व मनाए जाते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है कि हम भारत से अलग नहीं है, भारत में ही है। ऐसे में माता की चौकी जब यहाँ पर आयोजित की गई, किस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिला, क्या कुछ सजावटें रही उस दौरान, क्योंकि कुछ तस्वीरें मेरे सामने हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सर्व ब्राह्मण सभा की तरफ से एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के अंदर माता की चौकी का आयोजन किया गया, बाकायदा जो हिंदुस्तान की संस्कृति है वो ऑस्ट्रेलिया में झलकती हुई नजर आई। बाकायदा भजन कीर्तन का यहाँ पर आयोजन किया गया, नृत्य का यहाँ पर आयोजन किया गया, अलग अलग जो व्यंजन है वो यहाँ पर परोसे गए, बाकायदा पूजा अर्चना है वो माता की गई। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर नवरत्न के त्योहार मनाया गया, उसके बाद अब जिस तरीके से, क्योंकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो पूरे विश्व के अंदर अलग अलग रहते हैं, लेकिन खासतौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो काफी तादाद के अंदर जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। तो जिस तरीके से सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से लगातार अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, चाहे से दिवाली हो, दशहरा हो, या फिर जिस तरीके से माता की चौकी का आयोजन हो, या फिर अलग अलग त्यौहार हो, तमाम त्यौहार ऑस्ट्रेलिया में धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़े त्यौहार के तौर पर कल जिस तरीके से सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के अंदर माता की का आयोजन किया गया, तो कहा जा सकता है कि भजनों का यहाँ पर आनंद है वो लेते हुए नजर आए भक्त, और इसके अलावा भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया। वहीं सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से जो जयपुर के अंदर तृतीय चरण में पशुओं को आहार का यहाँ पर आयोजन है वो किया गया। बाकायदा जो रवि शर्मा है उन्होंने इंडिया न्यूज जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो त्यौहार धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, वही संस्कृति, वही हिंदुस्तान के त्यौहार पूरे विश्व में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो त्यौहार है वो कल ये धूमधाम के साथ मनाया गया है। जी बिल्कुल रजाउल्ला, क्योंकि देखिए हिंदुओं का पर्व होता है नवरात्र, और माता की चौकी जो है भारत में काफ़ी अच्छे तरीके से और धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पर जब भी माता की चौकी सजती है तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाई जाती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि विदेश में बिल्कुल हम भारत की तरह तो वो सजावटें और बिल्कुल भारत की तरह तैयारियाँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमें अलग मिलती है, क्या विदेश में भी बिल्कुल ऐसा ही देखा जाता है कि जब भारत में माता की चौकी जो आयोजित होती है बिल्कुल उसी तरह विदेश में भी वैसा माहौल देखने को मिलता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो त्योहार है वो त्योहार पूरे विश्व के अंदर जो भारतीय त्योहार है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब विदेशी नागरिक, विदेशी पर्यटक जब जयपुर सहित पूरे प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर होली का आनंद लेते हुए नजर आते हैं, वो दिवाली की जो खूबसूरती है उसको अपने कैमरों में कैद करते हुए नजर आते हैं, चाहे से जयपुर के गलतागीर धाम मंदिर की बात की जाए, या फिर कोले के हनुमान मंदिर की बात की जाए, काले हनुमान की मंदिर जी की बात की जाए, या फिर उसके अलावा जिस तरीके से माणक चौक इलाके में गोविंद देव जी का बड़ा मंदिर है, या फिर मोती डूंगरी मंदिर की बात की जाए, जब यहाँ पर विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं तो वो यहाँ पर जिस तरीके से कैमरों के अंदर
संकेत करते हुए नजर आते हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान के जो त्यौहार है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इसी तरीके से धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। वहां के लोगों को ये मैसेज दिया जाता है कि जिस तरीके से जो भारत के त्यौहार है वो भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में धूमधाम के साथ। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज इसके जरिए यहाँ पर रजाउल्लाह दिया जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।